चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सारी चीजों का ही भाव बढ़ रहा, दाल का भी बढ़ रहा, तेल का भी बढ़ रहा, सारी चीजों का बढ़ रहा, तेल साबुन के बढ़ रहे। औरत है बेचारी, पहले खेत का कर लेते, खेत के भी काम नहीं रहे, रोजगार भी कुछ नहीं रहे, घर में बैठ कर कहाँ तक खाऊंगी। रसोई तो ही है सब कुछ। नमस्कार साथियों, सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला शामली के कस्बा कांदला में हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले घरेलू एलपीजी जो गैस सिलेंडर जो होता है उस पर राज्य सरकार द्वारा सीधे 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि गैस सिलेंडर बढ़ने से कितनी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जी आपका नाम? मीनाक्षी जयंत। अच्छा, अभी गैस सिलेंडर महंगा हुआ है तो कितनी दिक्कतें महिलाओं को हो रही है घर चलाने में आज? दिक्कत तो बहुत हो रही है, इतना तो रोजगार नहीं जितना कहना महंगाई हो रही, दिक्कत ही दिक्कत है। पहले कितने का था सिलेंडर? पहले तो क्या वो 1060 का था। अच्छा। अब 1110 का हो रहा। तो किस तरह लग रहा है आपको ये महंगाई, कहाँ पे जाके रुकेगी महंगाई का? तो भाई इस हिसाब से तो महंगाई महंगाई चढ़ती जाएगी, इस हिसाब से जैसे सिलेंडर महंगा हो रहा तो महंगाई होती जाएगी। अच्छा। रोजगार है नहीं लोगों के, महंगाई महंगाई होती जा रही, काम धंधे है नहीं। अब पहले जब सिलेंडर 400 का हुआ करता था तो आप साल में कितनी बार भरवाते थे, अब कितनी बार आपको भरवाना पड़ता है? वो तो हर महीने ही भरवाना पड़ा। अच्छा, तो सब्सिडी वगैरह आती है सिलेंडर के जो आप जब लेते हो? नहीं आता। होली पे बोला गया था कि जो है हम एक एक जो है मुफ्त सिलेंडर देंगे, क्या मिला है वो? मुझे मेरे नाम तो मिला ही नहीं जी, वो अभी वो होगा पोस्टपोंड। जी आपका नाम? आप कितने का ले रहे हो अभी सिलेंडर घरेलू जो गैस सिलेंडर है? 1110 का ही ले रहे। अच्छा, तो अच्छा जी, हिलना कुछ है नहीं, ठल्ली पड़े 5,500 रुपये। लेकिन इस सरकार में तो वादे किया गया कि महिलाओं पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको उनके सब बकारे नुई जुट्टो ही बकारे, कुछ नहीं हो रहा महिलाओं के लिए। क्या हो रहा बता, क्या आ रहा महिलाओं के लिए? काम आ रहा कुछ, कुछ पैसे आ रहे, क्या आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, क्या उस तरीके से महिलाओं के लिए कोई घरेलू जो रोजगार कर सकते हैं सरकार द्वारा, उस तरह की कोई सुविधाएं की जा रही है? नहीं है कुछ भी नहीं है, बैठे नहीं। अच्छा, एक मुफ्त जो गैस सिलेंडर दे गए थे तो क्या उसका लाभ आपको भी मिला है? मारते तो 1800 रुपये जा रहे, फ्री का नाम ही है, 1800 जा रहे मारते तो। हाँ, 1800 जा रहे पूरे। हाँ, मारे नहीं है फ्री, फ्री का। तो घर की जो महंगाई है, किचन का सामान अगर हम तेल की बात करें, वो किस तरीके से जो है बढ़ रहे हैं? सारी चीज़ों का ही भाव बढ़ रहा, दाल का भी बढ़ रहा, तेल का भी बढ़ रहा, सारी चीज़ों का बढ़ रहा, तेल साबुन के बढ़ रहे। और मजदूरी यानी 1 रुपये की भी तो आवेंगे कहाँ तक, ये गरीब आदमियों का ही तो मरना हो रहा। जी आपका नाम? राजवीर। अच्छा, ना तो औरतों का रोजगार रहा कुछ, ना ही आदमियों का रहा, पढ़े लिखे भी नहीं फिरे लग रहे, तो क्या होगा इस तरह से इतनी महंगाई में? पहली सरकार बढ़िया थी, उसमें रोजगार तो था, इतनी महंगाई तो नहीं थी। इसने तो इतनी महंगाई कर दिया कि लोगों को भूखे मारने का मौत कर रखा, क्या करें? औरत है बेचारी, पहले खेत का कर लेते, खेत के भी काम नहीं रहे, रोजगार भी कुछ नहीं रहे, घर में बैठ कर कहाँ तक खाऊंगी? रसोई का काम पहले 2000 में काम चला लेते, और अब तो 5 में भी नहीं चलता, अब तो 5 में भी काम नहीं चलता, वो भी 15-20 में खत्म हो रहा है। अच्छा, लेकिन सरकार राशन फ्री बंटवा रही है, चावल बांट रही है, अनाज बांट रही है, और पिछले कुछ दिनों में चना तेल सब, तो लेकिन खाने पीने का तो सरकार ने इंतजाम कर दिया, उसी में थोड़ा ही हुआ, दानों दानों में कुछ थोड़ा ही हुआ, ऊपर का भी तो चाहिए कुछ। अब सरकार ने अनाज तो दे दिया, तेल मिला तो उसमें कुछ नहीं पड़ता, रसोई तो ही है सब कुछ, रसोई तो ही है, एक एक महीने दे के 200 रुपए का 1 किलो तेल आवे, महीना में कितना सा 5 किलो बता। हाँ, 4 दिन नहीं चलते 1 किलो, कुछ भी नहीं होता था। ज्यादा जो थी ना कांग्रेस की, उसमें जनता बहुत अच्छी थी, सब तो बढ़िया, और अब तो बिल्कुल सारे ऐसे हो रहे, अब कोई नहीं है, अब तो गरीबों का गला घोटने को हो रहे। हम अभी कस्बा कांदला में थे, यहाँ पे हमने कुछ महिलाओं से बात की है, तो ज्यादातर का कहना है कि महंगाई से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, रोजगार भी खत्म होते जा रहे हैं। जुड़े रहे सीसी के साथ, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।